मैं हूं कुशाग्र और आप लोग देख रहे हैं कुशाग्रस नॉलेज। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फिर से एक बार साइंस के ऊपर। हम लोग साइंस के अंदर चैप्टर 2 पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इधर ऊपर आई बटन में तो दिख ही रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से आके उसे भी देख सकते हैं अगर आपको साइंस का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड वॉइड वॉइड। हां तो इस चैप्टर के अंदर लोग स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ 3 चीजें ही स्टडी करेंगे, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके नाम के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसका जो नाम है वो कैसा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड की जो है मीनिंग को समझ लेते हैं डीप में। तो माइक्रो हम सबको पता है क्या होता है, मतलब बहुत छोटा, और ऑर्गेनिजम्स को हमको पता है मतलब लिविंग बींग, तो बहुत छोटे छोटे, इवन इस डॉट से भी छोटा। आपको देख ही रहा होगा ये डॉट, इस डॉट से भी छोटे लिविंग बींग्स। अभी उनकी डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हम कहें तो वो ये बनती है कि The organisms which cannot be seen with naked eyes are called microorganisms। ऐसे हम लोग डिटेल में भी स्टडी करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड एंड वॉइड, तो अभी आप लोगों को माइंड में आना होगा कि आखिर ये वर्ड वॉइड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वॉइड का जो हम लोग कह सकते हैं पर्यायवाची या फिर मैं तो याद नहीं है ना, तो वॉइड का एक और मीनिंग होता है, वो होता है एनिमी। एनिमी वॉइड का और मीनिंग होता है, मेरा मतलब पर्यायवाची से है कि जो एनिमी मतलब बॉय ऑफ बॉय मतलब एनिमी बॉय एनिमी एनिमी बॉय ऐसा लग रहा है इंग्लिश में। तो अभी जो है हम लोग ये लोग ये सारी चीजें भी स्टडी करते हैं, तो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर के अंदर आगे, और अभी हम लोग देखेंगे माइक्रो। मैंने यहाँ पे माइक्रो को लिख रखा है क्योंकि यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलना बड़ा लेंदी लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा, और इसे हम लोग माइक्रोब भी कह सकते हैं। पूरे चैप्टर हम लोग अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब भी बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, तो माइक्रोब्स के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग माइक्रोब्स की जो है डेफिनेशन देखेंगे। तो माइक्रोब्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये रहती है कि organisms which are too small in size and cannot be seen from naked eyes, and if you want to see them so you can only see them from microscope, they are called microbes। अब देखिए microbes जो होते हैं उनको हम लोग सिर्फ microscopic level पर ही देख सकते हैं। अगर आप लोग मतलब मशीन होती है कुछ इस टाइप की रहती है, वो मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं कैसी रहती है वो, जिसकी टाइप की रहती है वो इस टाइप की, यहाँ पर आप आपका जो भी वो रहता है बैक्टीरिया वायरस उसे रखते हैं, फिर यहाँ से जो है हम देखते हैं इसे कुछ इस टाइप से लेंस चेंज कर करके वो उसको ही बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उससे हम लोग देख पाते हैं आराम से माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स के भी वो 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला आता है बैक्टीरिया, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना होगा कोलगेट के एड में। उसके बाद में होता है फंगाई। अब फंगाई जो होते हैं वो कैजुअली ब्रेड के अंदर लगता है, तो उन्हें नाम जरूर सुना होगा। फिर आता है प्रोटोजोआ, ये कुछ नया होगा, और एल्गे, ये भी आप लोगों के लिए कुछ नया होगा। लेकिन ये जो चीज जिसे मैंने स्पेशली हाईलाइट करके लिखा है वायरसेस, भाई बहुत खराब चीज होती है। अब देखिए हम लोग वायरसेस के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया फंगाई प्रोटोजोआ और एल्गे सबके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, तो बिना टाइम गवाए चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिंगल सेल्यूलर माइक्रोब्स जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और एल्गे। एल्गे मैंने कौन सा मतलब वहां पे शॉर्ट में लिखा है एल्गे, ठीक है। तो ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं एल्गे और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब जो होते हैं ये सब सिंगल सेल्यूलर होते हैं, और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो होते हैं फंगल। अब हम लोग बात करेंगे कि फंगल आखिर लाइक ये फंगल कहाँ पर मिलती है, वो क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन से। Where do microorganisms live? तो अभी देखिए microorganisms like आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आप क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कोई भी microorganism होगा? सोचिए और बताइए, मतलब सोचिए हम बताएंगे तो कैसे क्या लगता है आपको। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पूरे रूम के अंदर, इवन आपके पास का अगर आपका जो फोन है उसके अंदर भी microorganisms प्रेजेंट है। इवन
हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ बिल्कुल शीशमा, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं वो गुड मतलब फ्रेंडली होते हैं हमारा हमारी बॉडी के लिए, वो वैसे वाले होते हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ वायरसेस टाइप के, वो हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि मतलब हर जगह पे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन इन फायर जो आग होती है उसके अंदर भी, लाइक आई एम नॉट डैम श्योर कि फायर के अंदर होते हैं, यानी लेस्ट जो भी चीज़ होगी उसके अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, इवन इन वाटर, और यहाँ तक कि आपके फूड के अंदर भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब गाइस मैं आप लोगों को फंगाई के बारे में बता रहा था, तो जो फंगाई होता है वो कुछ स्टेक का दिखता है, कुछ हल्का फुल्का मशरूम के जैसा होता है, और भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। ये जो ये वाला जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ब्रेड मोल्ड के अंदर फाइंड होता है, मतलब जब बारिश आती है तो ब्रेड के ऊपर एक ग्रेश व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, वो होती है फंगाई। अगर आप लोग तो आपको वहां पर कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखेंगे वो होते हैं फंगाई। और जहां तक बात कीजिए एल्गाई की, तो एल्गाई कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप का एल्गाई का जो होता है स्ट्रक्चर होता है। एक और एल्गाई होता है जो कुछ इस टाइप का दिखता है, उसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अब मैं बनाने बैठूंगा तो नचाने बहुत टाइम होता है। सो गाइस जो एल्गाई होती है जो कुछ इस टाइप से दिखता है, इसका नाम होता है स्पाइरो ज्यादा करके, कुछ वायरस का वायरस से लाइक इस एल्गाई का नाम होता है। जहाँ तक बात की जब प्रोटोजोआ की, तो जो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल्यूलर जो होता है, मतलब सिंगल सेल्यूलर होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, और वो शेपलेस होता है, वो इस शेप में भी मिल सकता है आपको, इस शेप में भी मिल सकता है, मतलब हर टाइप की शेप का होता है अमीबा। तो अमीबा जो है काफ़ी कॉमन है, मतलब अगर आप लोग प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो, और बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के, रिंगवर्म हो गया और रेडनेस हो गया, रैशेस होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये वाला जो होता है इस वायरस का नाम होता है ब्रेड मोल्ड। ये कैजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको ब्रेड जो होती है उसके अंदर ही मिलेगा। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे स्टूडियो का लास्ट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारे पास में वो आता है मेडिसिन के अंदर भी काफी बार वायरसेस और बैक्टीरियाज का यूज होता है। तो डरिए मत वायरसेस और बैक्टीरियाज का नाम सुन के, ये हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, हेल्प ही करते हैं हमारी बॉडी की, ताकि हमारी बॉडी पहले से बेटर हो जाए, हम लोग एकदम मतलब अगर हमको कोल्ड है या फिर कोई भी चीज़ है तो एकदम सही हो जाए। फिर अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये सबने बिल्कुल सही सुना, एल्कोहल के प्रोडक्शन से पहले उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, तो उसी की वही प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के अंदर यूज आता है। और प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड और केक, देखिए ब्रेड और केक के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो होता है यीस्ट एक तो माइक्रोब होता है जिसे इसके अंदर यूज किया जाता है, मतलब नॉर्मल होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है, यूजेबल होता है हमारे लिए और हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं करता है। और कर्ड के लिए हम लोग एक और चीज करते हैं, वो आपको इसके अंदर हमारे चैप्टर के अंदर आपको आगे पता चल जाएगी, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लीनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, क्लीनिंग एनवायरमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, जो वेजिटेबल पील्स और ये सब यूज लेके हमारी जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके अंदर मतलब जब वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स भी बनते हैं अपने आप से, तो वो जो होते हैं उसको कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वेजिटेबल पील्स और भी जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको वो जो होता है बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट के अंदर। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको हमारे जो साइंस के प्रीवियस वीडियोज हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। और मेरा एक और चैनल है जिसको मैं व्लॉग्स और टेक्निकल अपडेट्स देते रहता हूँ, तो उस चैनल को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा चैनल होगी क्योंकि एजुकेशन के साथ थोड़ा सा फन भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए ये वो चैनल जिसके अंदर मैं व्लॉग्स बनाता हूँ और टेक्निकल अपडेट्स देता हूँ। तो अब मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक अलविदा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।